कम हो। नहीं, आलिया को खबर मिलती है कि आरव दुबई में है। आलिया भी तुरंत दुबई पहुंच जाती है। डिटेक्टिव जलाल आलिया को एयरपोर्ट से पिक करने वाला है। ये डिटेक्टिव जलाल अभी तक आए क्यों नहीं? आलिया एयरपोर्ट से बाहर आती है तो एक आदमी आलिया से टकरा जाता है। बाहर एक आदमी तलवार चलाकर अपना शो दिखा रहा था और लोग उसे पैसा दे रहे थे। ये तो एकदम धांसू आइडिया है, इससे मैं भी कुछ पैसे कमा लेती हूँ। दुबई में शॉपिंग करने में काम आएंगे। आलिया कहीं से एक डंडे का जुगाड़ करती है और अपने स्टाइल में डंडा घुमाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर दुबई पुलिस आ जाती है और आलिया को अरेस्ट कर लेती है। अरे मेरे पैसे, छोड़ो मुझे, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ। लेकिन पुलिस आलिया की एक नहीं सुनती और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। बचाओ बचाओ, बेहोशन बचाओ। Who is Mehul? There is no one. I think she is mad. आलिया बहुत ज्यादा हैपर चला रही थी, इसलिए दुबई पुलिस आलिया के गले में इंजेक्शन लगा देती है और आलिया बेहोश हो जाती है। Dubai police has arrested Alia. एक लेडी पुलिस आलिया के ऊपर ठंडा पानी डाल देती है। आलिया थोड़ा समझ जाती है कि असली पुलिस नहीं है। आजकल आर्मी आलिया को कैसे समझा कि ये असली पुलिस नहीं है, सोचिए सोचिए। ध्यान से देखिए, पुलिस स्टेशन में टेबल के ऊपर वाइन की बोतल रखी है। अब भला ये कैसे हो सकता है और इन्हें डिटेक्टिव मेहुल के बारे में कैसे पता है? आलिया ने तो सिर्फ मेहुल चिल्लाया था, इन्हें कैसे पता कि वो डिटेक्टिव मेहुल है? इसका मतलब ये नकली पुलिस वाले हैं। कौन हो तुम लोग? कैसी हो आलिया, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। ये नकली पुलिस और इतने सारे लोग, सब कुछ आरव का प्लान था। तुझे तो मैं देख लूंगी, अगर मेहुल सर को पता चल गया तो तेरा बैंड बजा देंगे। चिंता मत करो आलिया, बहुत जल्दी मेहुल भी हमारे प्लान में फंस जाएगा। मुझे तो लगा था ये आरव छोटा मोटा स्मगलर है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा खिलाड़ी निकला। आलिया, आज तुम्हारा खेल खत्म होने वाला है। गुड बाय आलिया। वहीं ड्रैकन एक्सेस और वेनम वेब के बीच में फायरिंग शुरू है। ये फाइट बहुत खतरनाक होते जा रही है। नहीं, ये क्या हो गया? मेहुल को पेड़ के नीचे गन दिखाई देती है। मेहुल तुरंत नीचे जंप करके गन लेता है और वापस पेड़ पे आ जाता है। मेहुल ड्रैकन एक्सेस के उस आदमी को शूट कर देता है। मुझे तुरंत वहाँ पे जाना होगा। तभी डिटेक्टिव असलम मेहुल को इशारा करके बताता है कि गोली कंधे पे लगी है, उसको बचाया जा सकता है। मेहुल वहीं ट्री पे वेट करने लगता है। थोड़ी देर में ड्रैकन एक्सेस के लोग सारे वेनम वेब के लोगों को मार देते हैं। बस दो लोग ड्रैकन एक्सेस के बचे हुए हैं। मेहुल उन पे निशाना लगाता है और दोनों को वहीं ढेर कर देता है। तुमने एकदम सही कहा था, गोली बस कंधे को छू के निकल गई है। ये दोनों नहीं बचे। मेरे दोस्त, मेरे साथी, मैं डार्को नेक्सस एंड वेनम वेब के लोगों को नहीं छोड़ूंगा। मेहुल, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेहुल चेरा से फोन लेता है और एक सीक्रेट नंबर पे कॉल करता है। मेहुल को डिटेक्टिव सोसाइटी से तुरंत दुबई पहुंचने के लिए कहा जाता है। असलम, जब तक मार्को नहीं मिलता, तुम चेरा के साथ इसी टापू पे सर्च करते रहो, वो कहीं ना कहीं जरूर छुपा होगा। मैं दुबई के लिए निकल रहा हूँ। मेहुल तुरंत दुबई पहुंच जाता है। मेहुल सीनियर डिटेक्टिव जलाल से मिलता है। ये आलिया है। उइ, हमने तो इसे देखी थी लेकिन हम इसे पहचान नहीं पाई। दोनों तुरंत दुबई एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। ओ नो, ये तो डुप्लीकेट पुलिस है। लॉजिकल आर्मी डिटेक्टिव जलाल को कैसे समझ में आया कि आलिया को नकली पुलिस ने अरेस्ट किया है? सोचिए सोचिए।
दुबई की फीमेल पुलिस हमेशा चेहरे पर हिजाब पहने रहती है, लेकिन जिस लेडी पुलिस ने आलिया को पकड़ा है वो बिल्कुल नॉर्मल पुलिस ड्रेस में है। यहीं से डिटेक्टिव जलाल को डाउट आता है। मेहुल, आलिया तो बड़ी मुसीबत में लग रही है। बॉस, इसमें क्या है? काफी भारी लग रहा है। इसमें इंडिया की एक जासूस लड़की है। आरव भाई ने उसे रेगिस्तान में फेंकने के लिए कहा है। पानी। बॉस, ये तो अभी बच्ची है। खुद को बच्ची सुनते ही आलिया के अंदर पूरी एनर्जी आ जाती है और आलिया उस बंदे को एक जोरदार मुक्का मारती है। हैंड्स अप, वरना गोली मार दूंगा। आलिया हैंड्स अप करके पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और आलिया नीचे गिर जाती है। तभी वहां पर उस टूटे फूटे घर के अंदर से एक गनर बाहर आता है। अगर ये जल्दी मर गई तो आरव भाई हम सबको जान से मार देंगे। याद है ना आरव भाई ने क्या कहा था? आलिया को रेगिस्तान में जिंदा छोड़ देना। जब ये तड़प तड़प कर मरेगी तो मुझे बहुत सुकून मिलेगा। देख क्या रहे हो बेवकूफ, जल्दी से इसे पानी पिलाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ लड़की। मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैंने तो अभी दुनिया भी नहीं देखी है। प्लीज मुझे छोड़ दो। मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बता दो। मुझे एक लास्ट बार सिगरेट पीनी है। आजकल आर्मी आलिया तो कभी स्मोकिंग नहीं करती है, फिर उसने सिगरेट क्यों मांगी है? सोचिए। ध्यान से देखिए, घर के बाहर बहुत सारे ऑयल के ड्रम रखे हैं और एक ड्रम से ऑयल लीक हो रहा है। आलिया सिगरेट पीने के बहाने लाइटर लेती है और आग जलाकर ड्रम के पास फेंक देती है। लड़की को गोली मारो, मैं कहता हूँ उसे जिंदा मत छोड़ना। तुमसे उसकी आखिरी इच्छा पूछने किसने कहा था? अब जाकर उसे सर्च करो, वरना आरव भाई सबको मार देंगे। सारे लोग आलिया को सर्च करने लगते हैं, लेकिन कुछ सेकंड्स के अंदर ही आलिया वहाँ से गायब हो गई थी। आरव के आदमी पूरे घर के अंदर सर्च कर लेते हैं, लेकिन आलिया कहीं नहीं मिलती। दूर दूर तक केवल रेगिस्तान था। भला इतनी जल्दी आलिया कहाँ जा सकती है? जाओ गाड़ी लेकर रेगिस्तान में सर्च करो, अभी ज्यादा दूर तक नहीं गई होगी। क्या आप इस सीन को देख के बता सकते हैं आलिया कहाँ छुपी हुई है? सोचिए। ध्यान से कार के पहियों के निशान देखिए, बीच में एक पतली सी लाइन भी बन रही है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब कार के नीचे कुछ तो जरूर है। कार के नीचे आलिया है। आलिया को कुछ याद आने लगता है। आलिया के बर्थडे के दिन मेहुल ने उसे किडनैप करवा दिया था। आलिया, तुम किडनैप नहीं हुई थी, बल्कि ये मैंने करवाया था। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का एक हिस्सा था। फ्यूचर में इस तरह की कंडीशन कभी ना कभी जरूर आएगी। मेहुल सर, यू आर ग्रेट। अगर आप मुझे किडनैप वाला बर्थडे सरप्राइज नहीं देते तो आज मैं फंस जाती। तीन अलोहा प्लास्टिक में होता फैंटास्टिक। आलिया जैसे तैसे करके खुद को कार के बैक तक ले आती है और पीछे से कार के ऊपर चढ़ जाती है। कार ड्राइवर मिरर में आलिया को देख लेता है। लगता है ये अपने आप को फाइटर समझता है। आज इसकी सारी हवाएं निकाल दूंगी। तूने बहुत बुरा किया आलिया, अब मैं तुझे बताऊंगी कौन है आलिया।
पूरा शहर छान मारो। आलिया जिंदा बचकर वापस इंडिया नहीं जानी चाहिए। आलिया का पता कैसे लगाया जाए? मेहुल के पास डिटेक्टिव सोसाइटी के एक सीक्रेट नंबर से कॉल आता है। ये तो फातिमा का कॉल है। लॉजिकल आर्मी मेहुल को कैसे समझाती है फातिमा का कॉल है? सोचिए। कोड लेटर्स को ध्यान से देखिए। ये सीक्रेट तरीके से डिटेक्टिव सोसाइटी के लोग आपस में इंटरैक्ट करते हैं। लेटर्स के बीच में एक्स एक्स्ट्रा लेटर्स है। अगर सारे एक्स को हटा देंगे तो वो फातिमा बन जाएगा। मेहुल मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। बिग डैडी। हेलो फातिमा, हेलो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? लेकिन कॉल कट हो चुका था। मेहुल बार बार उसी नंबर पे कॉल करता है लेकिन नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। डिटेक्टिव फातिमा बिग डैडी के बारे में कुछ बताना चाहती थी। कुछ तो बहुत बड़ा होने वाला है। बिग डैडी को जेल से भागे कई दिन हो गए लेकिन उसने अभी तक कुछ नहीं किया है। ये कैसे हो सकता है? लगता है कुछ तो बड़ा धमाका होने वाला है। I think he's preparing for something big. Detective Chiang भी पाकिस्तान में ही है। मेहुल तुरंत चियांग को कॉल करता है। चियांग तुरंत जाकर फातिमा से मिलो। I hope सब सही हो। तभी मेहुल के पास आदि का फोन आता है। मेहुल सर, शायद मैंने आलिया को लोकेट कर लिया है। मैंने एक सीसीटीवी में आलिया को सिटी हॉस्पिटल में ले जाते हुए देखा है। हॉस्पिटल, आलिया, ओह नो। मेहुल और जलाल तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। शी इज नो मोर। आलिया, क्या आलिया बच नहीं पाई? और क्या बड़ा प्लान कर रहे हैं बिग डैडी के लोग, देखेंगे हम अगले एपिसोड में।